मीट द गिम्प में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शिमाली जर्मनी के ब्रेमन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से बनाया गया है। गिम्प इमेजेस में जोड़ तोड़ यानी मैनिपुलेशन करने का एक बहुत मुतासिरकुन प्रोग्राम है। इस पहले ट्यूटोरियल में मैं आपको गिम्प और इसकी खसूसियात का एक छोटा सा सफर कराना चाहता हूँ। मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि वेब के लिए इमेज किस तरह तैयार करते हैं। मैं मुस्तकबिल के ट्यूटोरियल्स में वजाहत से समझाऊंगा। इमेज को खोलने के लिए मैं टूल बॉक्स में इमेज को सिर्फ खींचूंगा और छोड़ दूंगा, और ये यहाँ है। इस इमेज पर नजर डालते हैं। मैं इस इमेज को वेब के लिए तैयार करूंगा। अब देखते हैं कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। ये झुकी हुई है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा घुमाना है। फिर इस हिस्से को हटाने के लिए मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, इंसान का पिछला हिस्सा। तीसरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है ज्यादा रंग और कंट्रास्ट लाना। मैं इमेज को रिसाइज भी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये तकरीबन 4000 पिक्सल चौड़ी है, जो काफी ज्यादा है। और फिर मैं इसे शार्प करना चाहता हूँ और इसे जेपेग इमेज की तरह सेव करना चाहता हूँ। अब रोटेटिंग के साथ शुरुआत करते हैं। मैं इमेज के इस हिस्से में जूम करता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा वाज़ह है कि इमेज झुकी हुई है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं। बहरहाल आप स्पेस दबाकर और सिर्फ कर्सर घुमाकर इमेज में चारों तरफ घूम सकते हैं। और अब मैं यहाँ क्लिक करके रोटेट टूल चुनता हूँ। रोटेट टूल में डिफॉल्ट तौर पर कुछ ऑप्शंस इन वैल्यूज के साथ मुकर्रर हैं, जो ग्राफिकल काम के लिए मुनासिब हैं और फोटोग्राफी के लिए नहीं। लिहाजा यहाँ डायरेक्शन को नॉर्मल फॉरवर्ड मुकर्रर किया गया है, लेकिन मैं इसे करेक्टिव बैकवर्ड पर मुकर्रर करूँगा। मैं जांचता हूँ कि क्या मेरे पास बेहतरीन इंटरपोलेशन है, तो ये अच्छा है। और प्रीव्यू में मैं इमेज के बजाय ग्रिड चुनता हूँ। मैं स्लाइडर को घुमाकर ग्रिड लाइनों की तादाद में इजाफा करता हूँ। आप इसे जल्दी ही देखेंगे। मैं इमेज पर क्लिक करके एक ग्रिड हासिल करूंगा जो इमेज के ऊपर रहेगा। ये ग्रिड सीधा है और मैं इसे घुमा सकता हूँ, और गिम्प करेक्टिव के मोड में इसी सिम्त में इमेज को घुमाएगा, जिससे ग्रिड दोबारा सीधा हो जाए। अब मैं दिखाता हूँ, मैं ग्रिड को इस तरह घुमाऊंगा। मैं तस्दीक करने के लिए इमेज के दीगर हिस्सों को जांचूंगा। मुझे ये ठीक लगता है। अब मैं रोटेट के बटन पर क्लिक करूंगा। ये कुछ वक्त लेगा, क्योंकि इमेज तकरीबन 10 मेगापिक्सल्स है। और ये हो गया, इमेज घूम चुकी है। अब मुकम्मल तस्वीर को देखते हैं। शिफ्ट कंट्रोल और ई हमें इमेज में वापस लाता है। अगला स्टेप क्रॉपिंग है। मैं यहाँ क्लिक करके क्रॉप टूल चुनता हूँ। मैं इमेज का स्क्रीन रेशो 3:2 रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशो पर क्लिक करता हूँ और 3:2 टाइप करता हूँ। बॉक्स से बाहर निकलने के लिए सिर्फ क्लिक करता हूँ, और अब मैं क्रॉपिंग शुरू करता हूँ। मैं यहाँ इस आदमी के पांव शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन इमेज का ये हिस्सा बाहर निकालना चाहता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ इस पॉइंट से शुरू करता हूँ और माउस का बायां बटन दबाकर इलाके को मुंतखब करने के लिए बाएं तरफ ऊपर खींचता हूँ। नोट करें कि स्क्रीन रेशो मुस्तकिल है, और अब मुझे फैसला करना है कि कितनी दूर तक खींचना है। मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छा है। अब बॉर्डर्स को जांचते हैं। हमने ये हिस्सा निकाल दिया है। एक शख्स यहाँ बैठा है। मुझे लगता है यहाँ इस शख्स को तस्वीर में रहने के लिए काफी जगह है, लिहाजा मैं इसे इसी तरह छोड़ दूंगा, क्योंकि ये अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर खिड़कियाँ हैं। इनको खिड़कियों के तौर पर देखने के लिए इमेज में ये काफी तादाद में हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पैरों पर चारों तरफ ज्यादा जगह नहीं है, लिहाजा मैं सिर्फ इमेज पर क्लिक करूंगा और इसे थोड़ा सा नीचे खींचूंगा। मुझे लगता है अब ये अच्छा है, लेकिन अब यहाँ बहुत ज्यादा खिड़कियाँ नहीं दिख रही, और यहाँ जो शख्स बैठा है वो बॉर्डर के बहुत करीब है, लिहाजा अब इमेज को थोड़ा सा बड़ा बनाना है।
यहां हमें एक परेशानी होने वाली है, शायद आप इसे देख सकते हैं। ये रोटेशन के वक्त हुआ, यहां एक छोटा सा हिस्सा है जो ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ है। मैं इसे दाखिल नहीं करना चाहता। लिहाजा क्रॉप टूल पर वापस जाते हैं। मैं यहां थोड़ी ज्यादा जगह चाहता हूं, लिहाजा मैं इसे ऊपर खींचूंगा, ज्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छा है। अब बस इमेज पर क्लिक करता हूं और यहां हमारे पास क्रॉप और रोटेट की हुई इमेज है। शिफ्ट कंट्रोल और ई हमें पूरे व्यू पर वापस लाता है। अगले स्टेप यानी मरहले में मैं थोड़ा सा रंग और कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहता हूं। यहां बहुत से तरीके हैं। मैं कलर लेवल्स का इस्तेमाल कर सकता था। ये यहां है, कर्व्स और कुछ स्लाइडर्स। लेकिन मैं लेयर्स के साथ ये करने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ यहां इस लेयर की एक कॉपी बनाता हूं और लेयर्स मोड को ओवरले से बदलता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत मजबूत असर है। मैं इसे इतना ज्यादा नहीं चाहता हूं। लिहाजा मैं ओपेसिटी स्लाइडर को उस वैल्यू तक थोड़ा कम करता हूं जहां मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है, शायद थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है। मैं इसे हमेशा बदल सकता हूं जब तक कि मैं चैनल की फहरिस्त पर जाने के लिए यहां माउस पर दायां क्लिक न कर लूं और फ्लैटन इमेज या मर्ज विजिबल लेयर्स मुंतखब न कर लूं। फिर सारी तब्दीलियां मुस्तकिल हो जाती हैं। इसको छोड़कर कि जब मैं यहां हिस्ट्री पर जाता हूं और वापस जाता हूं और हिस्ट्री को अंडू करता हूं, लेकिन हम वो बाद में सीखेंगे। अगला स्टेप है रिसाइज करना। मैं इमेज मेन्यू पर क्लिक करता हूं और स्केल इमेज ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। यहां मैं सिर्फ 800 पिक्सल्स टाइप करूंगा। मुझे खुद ही हाइट के लिए वैल्यू मिल जाती है। जब मैं यहां इस लिंक को अनलॉक करता हूं, तो मैं इसे रिसाइज करते वक्त इमेज को बदल सकता था। इंटरपोलेशन, मुझे लगता है मैं क्यूबिक चुनूंगा। मैंने महसूस किया कि यहां सबसे ज्यादा आला लेयर ईंटों की इमारतों के साथ कुछ आर्ट का असर देती है। ये बहुत अजीब है और मुझे ये जांचना ही होगा। अब स्केल पर क्लिक करता हूं। अब नतीजे को देखते हैं। शिफ्ट कंट्रोल और ई हमें पूरी इमेज वापस देता है। और जब मैं 1 दबाता हूं, तो मुझे 100% ज़ूम मिलता है। अब हम इमेज के चारों तरफ देखते हैं कि क्या इमेज में वाकई में परेशान करने या तवज्जा हटाने वाली कोई चीज है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा हुआ है। अगला स्टेप शार्पनिंग है। मेरा लेंस बिल्कुल अच्छा है और मेरा कैमरा भी, लेकिन हमने इमेज में जोड़-तोड़ की है, लिहाजा ये थोड़ी सी शार्प की जानी है। मैं फिल्टर्स चुनूंगा और एनहांस पर क्लिक करता हूं और यहां शार्पनिंग है। मैं अनशार्प मास्क भी इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि बहुत मुतासिरकुन शार्पिंग टूल है, लेकिन अब के लिए शार्पनिंग काफी है। ये टूल बुनियादी तौर पर सिर्फ एक ऑप्शन रखता है जो शार्पनिंग स्लाइडर है। ये एडजस्ट किया जा सकता है और ये इस इमेज के लिए काफी है। ये बिना शार्प की हुई इमेज है और जब मैं इस स्लाइडर को खींचता हूं, ज्यादा से ज्यादा शार्प की हुई इमेज मिलती है। आपको एक बहुत दिलचस्प इफेक्ट यानी असर हासिल होता है अगर आप इसे ज्यादा दूर तक खींचते हैं। मुझे लगता है इस इमेज के लिए ये वैल्यू अच्छी है। अब बाल ज्यादा साफ नजर आते हैं, लेकिन यहां आप कुछ इख्तिलात या बिगाड़ देख सकते हैं। लिहाजा हम इसे नीचे खींचेंगे, ये बेहतर है। मैं इमेज में किसी बिगाड़ के बजाय थोड़ी सी तब्दीली लाना चाहता हूं। ये इस बात का सबूत है कि आपने इस इमेज में मैनिपुलेशन यानी जोड़-तोड़ की है। अब नतीजे को देखते हैं। ये कुल्ली तौर पर अच्छा लगता है। अब आखिरी स्टेप है,
इमेज को सेव करना। मैं फाइल पर जाता हूं और सेव एज पर क्लिक करता हूं और सिर्फ असल फाइल के एक्सटेंशन को TIFF से JPG में बदलता हूं और सेव बटन पर क्लिक करता हूं। मुझे एक इंतबाह मिलता है कि JPEG मुतद्दद लेयर्स के साथ इमेजेस कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें इन्हें एक्सपोर्ट करना है। मुझे लगता है इस इमेज के लिए 85% एक बेहतरीन मयारी वैल्यू है। लिहाजा यहां मैंने इस इमेज को JPEG इमेज की तरह सेव कर लिया। आप इसे पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस इतना ही। मीट द गिम्प का पहला ट्यूटोरियल। मुस्तकबिल के ट्यूटोरियल्स में मैं मंदरजा ज़ैल मौजूआत की बात करूंगा, जैसे गिम्प को सेट कैसे करते हैं, किस तरह बनाते हैं और तब्दील करते हैं वगैरह, और टूल्स और मजीद। अगर आप तबसरे भेजना चाहते हैं तो info@meetthegimp.org पर लिखें। मजीद मालूमात meetthegimp.org पर दस्तियाब हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, मैं क्या अच्छा कर सकता था, मुस्तकबिल में आप क्या देखना चाहते हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।